गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीबीएसई की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और डेट अपडेट ये है कि आपकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है और आज की वीडियो में हम 10th बोर्ड की डेट शीट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सीबीएसई ने आपको कहा था कि एग्ज़ाम आपके 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे और ये होंगे 15 फरवरी से ही, लेकिन 15 फरवरी में आपका मेन एग्ज़ाम नहीं है। मेन एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा 27 फरवरी से। 27 फेब से आपका मेन एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और पहला एग्ज़ाम किस चीज़ का है? इंग्लिश का। इंग्लिश का आपका पहला एग्ज़ाम होगा और इसकी टाइमिंग होगी 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक। यानी कि ये ड्यूरेशन कितने घंटे का होगा? 3 आवर्स आपको इसमें मिलेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सबके लिए 3 आवर्स हैं। फिर 4 मार्च को आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा। अब इसके बीच में कितना दिन का गैप है? 4 डेज़ का गैप इसके बीच में आपका, इन दोनों एग्ज़ाम के बीच में आपका 4 डेज़ का गैप है इंग्लिश और साइंस के बीच में। और इसकी भी टाइमिंग कितनी होगी? यही 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक। फिर उससे अगला एग्ज़ाम है आपका 13 मार्च को। 13 मार्च को किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका? कंप्यूटर का, या फिर उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये भी आपका टाइमिंग सेम रहेगी। फिर उसके बाद अगला एग्ज़ाम कौन सा है आपका? सोशल साइंस। सोशल साइंस कब को है आपका? 15 मार्च को। 15 मार्च को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद 17 मार्च को होगा आपका, 17 मार्च को होगा आपका हिंदी का एग्ज़ाम। फिर उसके बाद 21 मार्च को होगा आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। अब इनमें गैप कितना है? इसके और उसके बीच में 4 दिन का गैप है। इसमें कितना गैप है? इसमें आपके 8 दिन। इसमें कितने दिन का गैप है आपका? 1। इसमें भी 1 है और इसमें 3 डेज़ का गैप है। तो ये आपके पूरा एग्ज़ाम का शेड्यूल है। ये पूरा 1 महीने तक चलेंगे आपके एग्ज़ाम और अप्रॉक्स आपके 2 मंथ्स रह चुके हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। ये एग्ज़ाम स्टार्ट होने में आपके 2 मंथ्स रह चुके हैं। आपकी प्रिपरेशन कैसी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।